यहाँ मंडी में आए थे भाई साहब, मंडी में थे, ये कह रहे थे खार के कट्टे नहीं, माना खार के आटो के आटो बड़े जान लग रहे हैं यहाँ। तो भाई साहब कल न्यू कह रहे थे हमारे शामी, हमें सारे का स्टॉक मंगा लिया, सबका सब कुछ कर लिया, किसी पे एक कट्टा खाद का नहीं है। कल आपके सामने भी कह रहे थे ये बात, अब कहाँ था खाद के कट्टे भाई साहब? एक ट्रक है, टेम्पो है, ट्रक ये खड़िया, ट्रक पे डीएपी का भरा हुआ है। हाँ जी, अच्छा। विनय गुप्ता संसार क्रांति से देसी देख बिना ब्रेक, इस समय हम मौजूद हैं लाइव कैथल के अनाज मंडी के पुलिस थाने में, जहां पर ये लंबी कतार आप देख रहे हैं, ये किसानों की कतार है, वो किसान जो डीएपी के लिए मारे मारे फिर रहे थे बाजार में। लेकिन आपको एक बड़ी खबर दे दे अपने चैनल के माध्यम से, लाइव आप शेयर करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। आपको दिखाऊंगा थाने का दृश्य, यहाँ अनाज मंडी पुलिस थाना है कैथल का, जो उसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से एक बड़ी खेप पकड़ी गई है डीएपी की, कैमरामैन से कहूंगा कि वो आए और आपको दिखाएं। देखिए भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद है और साथ में लंबी लाइन किसानों की यहां पर लगी हुई है, क्योंकि डीएपी की बहुत बड़ी खेप यहां पर पकड़ी गई है। वो जो ऑटो बताया जा रहा है, ये डीएपी की खेप यहां पर बताई गई है, आप देख रहे हैं लाइव संसार क्रांति पर। लाइक और शेयर करते रहिए वीडियो को, आप देख रहे हैं ये देखिए डीएपी, कैमरामैन से कहूंगा देखिए बड़े बड़े अक्षरों में इन कट्टों पर लिखा हुआ है डीएपी का जो खेप है वो यहां पर पकड़ी गई है, जिसकी वजह से किसानों को यहां पर बुलाया गया है। अब देखना ये है कि कैसे ये वितरित की जाएगी डीएपी, और बात कर लेते हैं कुछ किसानों से भी। बहुत बड़ी खबर ये कैथल जिले से आ रही है। जी सर, बस ये खेप खूब तो ऐसा है जी, कड़ी पकड़े ना पकड़े पकड़े, किसान मजबूर है, और इनको क्या नाम दुआ देंगे जी, बिजाई का समय है, निकले 10 दिन के बाद उसका पैदा भी कुछ, और इन्हें भी समझना चाहिए, सरकार ने भी समझना चाहिए, ये बांट देखते ठीक है पैदा, ये काम भी क्यों बुलाया? वे मैं बुलाया गया, मैं तो आया डीएपी का मारे मारे फिर यहाँ बाद जो बुलाया किसी नाम तो लाइन लाइक कर मैं खड़े हो गया क्या चाहिए था। और ये आपका धन्यवाद है कि आपने ये हमारा साथ दिया, नहीं हमारे को डीएपी नहीं मिला था किसी भी कीमत में नहीं मिला। अभी ये कितने कट्टे बताए जा रहे हैं आपको? क्या 20-22 कट्टे, ये 170 में आप बता रहे हैं? हाँ जी, ये क्या बताओ जी, बना देने और कोई रे नहीं मिल रहा है, कल कह रहे थे भी कल को आएगा, आज भी कोई रे नहीं है। एसपी साहब थाने में लाइन लगा के कैसे खड़े हुआ है? आज ये टेम्पो फाड़े जी बाइक कट्टे का। अच्छा, कहाँ से पकड़े? ये वहाँ से बाज का फाड़े जी मोटरसाइकिल पे। अच्छा, तो आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें सीधा यहाँ कैथल के पुलिस थाने से, अनाज मंडी पुलिस थाने से, जहाँ पर कुछ किसान देखे कितनी लंबी कतार यहाँ पर किसानों की लगी हुई है, जो डीएपी की इंतजार में यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? गोविंद। कहाँ से आए हो आप? डिलावाणी से। हाँ, तो क्या ये लाइन में कैसे लगे हुए हो? खाद की वजह है। हाँ, खाद नहीं मिल रही है। हाँ, जमीन तो बदतर आ रही है। यहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगा। किसने कहा है? ये कि सभी कर रहे हैं। पकड़े हैं भाई ये टेम्पो? टेम्पो पकड़े हैं हम लोग, यहाँ से निकले भी पकड़वाए। हाँ, अच्छा, कितने कट्टे? ये 500 कट्टे हैं कम से कम। नहीं, वहाँ तो 500 होगा, ये इसमें 20 कट्टे हैं। अच्छा, एक ट्रक है, एक टेम्पो है। एक ट्रक है, एक टेम्पो है, ट्रक कहाँ खड़ा है? ट्रक ये खड़ा। अच्छा, ये ट्रक भी डीएपी का भरा हुआ है? हाँ जी। अच्छा, तो आप देख पा रहे हैं कि किसानों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कट्टा और जो कई कट्टे हैं वो पकड़े गए हैं डीएपी की। कट्टा नहीं है, कल शहर में एक कट्टा भी नहीं है, और एक गोदाम में 200 कट्टे पकड़े हैं। इसका गोदाम है ये, उधर बैठे बंदे कौन है? अच्छा। ये टेम्पो वर्का आया था, ये टेम्पो पकड़े है, इसमें 20 कट्टे इसमें टेम्पो में। तो आइए आपको लाइव बात करा रहे हैं, एसडीओ एग्रीकल्चर हमारे साथ इस समय मौजूद है मौके पर। जी सर, स्वागत है आपका संसार क्रांति पे। सर, क्या आज की कार्रवाई है? ऐसा है, ये हमारे ऑथराइज रिटेलर हैं, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, खाद की इनके पास परमिशन है सेल परचेज की, ये जमींदारों को दे रहे हैं, लेकिन इस जमींदार द्वारा अपने जमींदारों के लिए जो 150 कट्टे 170 कट्टे जितने भी स्टॉक किए हुए थे, जमींदारों द्वारा मारा मारा फिरा जा रहा है इधर से उधर, इनको खाद ना दे के वो इनके हक पे डाका डाल रहा था, बल्कि इनको अपने जमींदार में उसका डिस्ट्रीब्यूटर का किसान खाद भंडार नंबर नंबर है दुकान का उनकी, ये मंडी के रोड पे है। अच्छा, एसबीआई बैंक वाले रोड पे। तो अब कितने कट्टे आपने पकड़े? 170 कट्टे पकड़े हैं वो, उनको ये हालांकि इसके खिलाफ कार्रवाई थी, लाइसेंस सस्पेंड के लिए मैं लिख चुका हूँ, लाइसेंस सस्पेंड इसका पक्का करूँगा, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि जहाँ भी मुझे खाद मिले, खाद ऑथराइज है, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, बेच सकता है, लेकिन जो अपने अपने जमींदारों को देके, जो रोड पे जमींदार है उसको ना देके, ये एक तरह से गुनाही कर रहा है। तो क्योंकि खाद से मना नहीं कर सकता जब तक इसके पास खाद है, किसी भी जमींदार को देने से मना नहीं। तो क्या ट्रक में पकड़ा है? नहीं, स्टोर किया हुआ था, स्टोर किया हुआ, खुद का इसका गोदाम है, गोदाम लाइसेंस पे चढ़ा हुआ है, हम लाइसेंस गोदाम का भी लाइसेंस देते हैं, वो लाइसेंस बाकायदा मैप में है, नक्शे में है, रखा हुआ था। नहीं, ओपन है, ओपन रखा हुआ, लीगली गोदाम है, ऑथराइज्ड गोदाम है। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? ऑटो में जा रहा था गांव में, डोहर गांव में, जमींदारों ने बताया कि सर खाद बाहर जा रहा है, मैं आके चेक किया, चेक करके इसका गोदाम पकड़ा, भाई गोदाम में कितने खाद पड़ा है, तो इसने
मंगाया इसके 170 कट्टे हैं, ये इसने जो बताया कि मैं अपने जमींदारों के लिए रखा हुआ है, लेकिन जो जमींदार रोड पे है खाद के लिए हमारे वाले उनके लिए पहला ब्लैक कर रहा था, नहीं ब्लैक नहीं किया था, 100 ऑन रोड रेट ही बेच रहा था, वो कुछ जमींदार रिश्तेदारों को देने के लिए रखा हुआ था इसने, अपने रिश्तेदारों को देने के लिए। तो फिर इस पे कार्रवाई क्या हो गया, इसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, लाइसेंस सस्पेंड होगा, तो क्या कोई FIR वगैरह भी दर्ज की जाएगी, क्योंकि कहा गया था FIR अगर होता, अगर किसी इलीगल गोदाम में रखा होता तो FIR नहीं, तो होल्डिंग भी तो एक गलत है, ये होल्डिंग 150 कट्टे नहीं, ये होल्डिंग नहीं, यूरिया के बाकी 400 कट्टे। अच्छा, होल्डिंग कितने पे मानी जाती है, कितने कट्टों पे होल्डिंग? तो अगर इलीगली गोदाम है उसमें तो 10 कट्टे भी वो है, लेकिन लीगली गोदाम है, ऑथराइज गोदाम है, कंपनी का रिटेलर है, अगर इसके पास कोई लाइसेंस नहीं होता, इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती बेचने की, तो ये लीगल होता है। लाइन क्यों लगी हुई है यहाँ? ये लाइन जो खाद का जो पकड़ा है 150 कट्टे उनको बांटने के लिए। तो यहाँ किसान तो बहुत ज्यादा है, कितने कितने कट्टे? दो कट्टे देंगे, यानी कि 75 किसानों को, 75-80 किसानों को जो भी होगा जितना भी होगा देने की कोशिश। कल भी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि वो NPK जो दवाई मिल रही है तो क्या इनको वो फिर? नहीं नहीं, वो इनके पास नहीं, वो क्रिप्को के पास है, वो गवर्नमेंट एजेंसी के पास है, इनके पास कोई दवाई नहीं। अच्छा, जो ये किसान खाद भंडार है इसके पास कोई दवाई नहीं है? कोई वो दवाई भी नहीं है, वो आप कह रहे थे NPK है? नहीं नहीं, वो नहीं। अच्छा। वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास आती है, क्रिप्को के पास आती है, हमारे ये प्राइवेट के पास, प्राइवेट के पास से मिला है ये सारा। हाँ, ये प्राइवेट के पास। तो और कहीं पे आप छापेमारी करें? कर रहे हैं, अलग रेगुलर दिन रात छापेमारी कर रहे हैं। कल भी सिलसिला 300 कट्टों की खबर मिली थी, जब रिकॉर्ड चेक किया, सारी चीजें चेक किया, SDM साहब ने कहा था कि एक भी कट्टा हम आपको मिलेगा कहीं पे भी तो इलीगल स्टोर किया हुआ, जमींदारों की तो मिलेगा, जैसे रात को ट्रक आएगा, जब इसने कोई इलीगल काम किया ही नहीं तो फिर लाइसेंस सस्पेंड कैसे? मैं बताता हूं, नहीं, इसने जमींदार को ना देके, जो लाइन में लगा हुआ है उस जमींदार को ना देके अपने घरेलू जमींदारों को देना भी एक तरह से कानूनन अपराध है। तो ये कैसे साबित करेंगे कि आपकी लाइन वाले को नहीं दिया इसने, जो लाइन में लगे हुए? अब ये लेने गए, इनको देने से मना कर दिया, तो ये साबित ही है हमारे पास, तो ये हमारे लिए साबित है जी। ठीक, तो ये आप जी, तो ये थे SDO साहब जिन्होंने, आप देखा कि उन्होंने बताया कि जी जी कल पेवा चौक पे जो जाम लगाया था DAP की किल्लत की वजह से लगाया था, कवर किया था जी, आपने कवर किया था, आपके माध्यम सारी बात हुई। आज ये जिम्मेदारों ने 20 कट्टे 25 कट्टे जो भी है एक्सचेंज के सामने से पकड़ा है, वहाँ से पकड़ने के बाद SDM पे फोन किया, तब ये आए हैं और अब इसको लीगल बना रहे हैं। भाई ये लीगल है, अगर लीगल है क्यों बंटवा रहे हैं ये? अगर उसका खाद लीगल है वो अपने किसी को क्यों बंटवा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मैंने सवाल किया था भी, जब अगर इन्होंने स्टोर किया हुआ था और लीगली किया हुआ था लीगल गोदाम में, जब हमने सस्पेंड क्यों? हमने ये वो पकड़ा, ये भाई ये खुराना गांव से किशन मलिक, इन्होंने ये पकड़ा, पहले तो बोला कैलरम से लाया हूँ, कभी मतलब ऊट पटांग जवाब दिया, इन्हें पकड़ लिया, इन्हें हमारे पास फोन किया। अभी अफसर कह रहे हैं कि भाई ये तो गोदाम में रखा हुआ था, आप क्या कह रहे हैं? कल भाई साहब, कल भी बात हुई थी, आप भी वही कृष्ण कुमार कौन से गांव से? पुराना से। ये कह रहे थे, कल भी कह रहे थे भाई साहब खार का, हमें कहीं एक कट्टा दिखा दो, और यूँ कहते हमें सारे गोडाउन सब कुछ चेक कर लिया, पूरा कैथल में कोई खाद है नहीं। और अभी ये तो भाई साहब बहुत छोटा है दुकानदार है, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हैं जिन पर हजारों की संख्या में कट्टे हैं, लेकिन ये महकमा भी सारा सौदा मिले हुए भाई साहब, सारा सौदा बस्ट हो गया, 1500 का 1600 का ये कह रहे थे, नहीं काम बिक रहा है 1500 का 1600 का कट्टा, ये बिक रहा है भाई साहब 1500 1600 के, इनके बिल्कुल सामने है, फिर भी भाई साहब ये सारा महकमा सारा सब कुछ एक सांठ कांट हो रही है कैथल के अंदर, आज भी हमारे हिसाब से हजारों की संख्या में कट्टे पड़े हैं, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं जिसके 100 कट्टे पागे भाई साहब। गोदाम में से पकड़े आप कह रहे हैं? ऑटो में से पकड़े हैं? ऑटो में से पकड़े हैं, फिर गोदाम में पकड़े भाई साहब, गोदाम में चेक किए, ये लाइन लग रही है ना, जो ये गोदामों वाला बंडल लग रहे हैं, दो दो कट्टे ऑटो में, तो 18-20 कट्टे हैं सारे गोदाम में पड़े हैं भाई साहब, 150-200-180 कट्टे की गिनती है और 220 कट्टे कहीं ऑटो में, तो ये भाई साहब ये तो जमीन छोटे छोटे दुकानदारों पे है, बड़े बड़े मगरमच्छ तो कहीं कहीं हजारों कट्टे दबत कर रहे हैं, और एक बहुत कई हजारों करोड़ों की ये घोटाला है, बहुत तगड़ा घोटाला है। तो आप देख पा रहे हैं कि पुलिस चौकी अनाज मंडी को ही अनाज मंडी का जो खाद का गोदाम बना दिया गया एक किस्म से, यहाँ पर DAP के कट्टे पकड़ के लाए जाते हैं, उसके बाद किसानों की लाइन पहली बार हमने देखा था कि महकमाले कह रहे हैं भाई साहब, महकमाले कह रहे हैं अब लीगल है, लीगल बताओ कैसे हो गया ये? कल कह रहे थे भाई कोई कट्टा नहीं है किसी के पास, सारे मैंने स्टॉक चेक कर लिया, लीगल है कि भी जो लाइन में खड़े थे उनको नहीं दे रहे थे और जो बाहर थे अपने रिश्तेदार थे उनको दे रहे थे, इसलिए ये तो भाई साहब कल न्यू कह रहे थे हमारे शामी, हमें सारे का स्टॉक मंगा लिया, सबका सब कुछ कर लिया, किसी पे एक कट्टा खाद का नहीं है, कल आपके सामने भी कह रहे थे ये बात, अब कहां थे आगे खाद के कट्टे भाई साहब? ये सब महकमे में भी झूठ बोल रहा है सब, ये तो भाई साहब सारा भ्रष्ट हो रहा है काम, नहीं तो फिर इसी सिस्टम ने पकड़े हैं ये कट्टे तो? नहीं नहीं ना, क्या माम ने पकड़े हैं तो भाई साहब, किसानों ने पकड़े हैं तो? कैसे पकड़े आपने, कैसे इन्फॉर्मेशन मिली आपको? हम भाई साहब खार वास्तव में बैठे थे, मैं खार मिला कर कह रहे थे भाई ये कट्टे आएंगे,
भाई ये कुरुक्षेत्र से गाड़ी दो लोडो गाड़ी है और यहाँ दो दो पांच पांच कट्टे बन लेंगे। आइए पुत्र आइए, हम लोगों को भी दिखाएंगे कि डीएपी के कट्टे किस प्रकार के दिखते हैं, ताकि अगर आम आदमी किसानों के अलावा भी कहीं देखे कि इस तरह की पैकिंग वाले अगर आपको ये डीएपी के कट्टे दिखे तो आप तुरंत पुलिस को सूचना भी दे, ताकि हम यहाँ मंडी में आए थे भाई साहब, मंडी में थे ये कह रहे थे खार के कट्टे नहीं माना, खार के आटो के आटो बड़े जान लग रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं ये इस तरह का डीएपी का कट्टा दिखता है, जिस पर आईपीएल डीएपी लिखा हुआ है, जिस पर कुछ केमिकल फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, फॉर एग्रीकल्चरल यूज ओनली लिखा हुआ है, यानी डीएपी। आप ये हरे अक्षर में जो डीएपी अगर आप देखें भाई, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस समय किसानों के लिए डीएपी, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर इसकी इलीगल स्टोरेज हो रही है या इलीगल तरीके से इसकी आवाजाही हो रही है, तो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस थाने को भी संपर्क करें। आप देख रहे हैं ये ऑटो पूरी तरह से भरा हुआ है डीएपी से, डीएपी कल हमने गोदाम में भी आपको लाइव कवरेज दिखाई थी, जिस तरह से सीएम जीजे गुड गवर्नेंस के जो अधिकारी थे वो छापेमारी कर रहे थे गोदामों में, वहां तो मिला नहीं, लेकिन किसानों ने दावा किया है कि हमने ये डीएपी के कट्टे पकड़े हैं। इस ट्रक में भी डीएपी है क्या? ना ना इसमें नहीं है, बाकी गोडाउन में मिले। अच्छा गोडाउन में है, तो अभी कुल 180 कट्टे गोडाउन के अंदर है। कुल कितने कट्टे हैं? 180 कट्टे गोडाउन के अंदर हैं। 180 कट्टे? अच्छा हाँ, 25 कट्टे ही है तो टोटल थोड़े था इतने हैं, बाकी बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं भाई साहब, महकमा ने तो कह लिया उन्हें पकड़ लियो, और खार की कोई कमी नहीं है। अच्छा यहाँ पे खार की कोई कमी नहीं है भाई साहब, 1500 में 1600 में कितने खार के कट्टे ले लो। हर रोज ऑटो भर के रात में जा रहे हैं, दिन में कह रहे हैं हमारे पास कोई दुकानदार के हमारे पास खाद नहीं है, महकमा के हमारे पास खाद नहीं है, रात ने पता नहीं, कल आज महकमा बता रहा था सिसले पकड़े हैं भाई साहब कट्टे खाद के, आपके सामने ही महकमा कह रहा था वो कट्टे कहाँ था। अब यहाँ कैसे बट रहे हैं, पहले पर्ची कटेगी कैसे बांट रहे हैं? पहले पर्ची कटेगी, पहले दो दो कट्टे दे रहे हैं सब, कंप्यूटराइज कटेगी पर्ची नहीं, वैसे काट रहे हैं फॉर्मली याद से फॉर्मली काट रहे हैं। तो फिर ये कैसे पता लगेगा कि सही आदमी को मिल रहा है ये? नहीं ये तो सारे किसानों है, किसानों के पकड़ने वाले भाई साहब, ये तो सारे तंग हो रहे हैं, नहीं दो कट्टे वास्ते कौन लाइन में लगा भाई साहब? सही कह रहे हैं आप है? तो इतनी गर्मी में और इतने बुरा हाल हो रहा, दो कट्टे वास्ते कौन लाइन में लगा है? कल को नुगा वो आ जाएंगे, उनका 6000 कट्टे आ जाएंगे, कल ना बंटवा देंगे, और सुबह के लग रहे हैं कहने भाई आ जाएंगे मिल जाएंगे, अब बंटो नहीं रहे, उनकी भी कहाँ रखे हैं वो 6000 कट्टे? एसडीएम ने कहा था आपके शामी भी कह रहा सबके शामी भाई 6000 कट्टे कल को आएंगे, कल को ले जियो, वो कह रहे हैं उनका पता नहीं कहाँ है वो। जी बिल्कुल अजीब सवाल है इनका, यानी डीएपी की जो शॉर्टेज रखी है जिस कारण से किसान परेशान है। आप देख रहे हैं कि पुलिस चौकी अनाज मंडी इस समय बन गई है, डीएपी के जो गोदाम है उसकी तरह नजर आ रही है, जिस तरह से किसान भारी मात्रा में आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन लगाए हुए खड़े हैं, सबको दो दो कट्टे कहा जा रहा है कि दिए जाएंगे, वो डीएपी में से जो डीएपी किसानों का कहना है कि उन्होंने पकड़ी थी जो ऑटो में इलीगल तरीके से गैर कानूनी तरीके से ले जाई जा रही थी। और आप देख रहे हैं यहाँ पर किसानों की लंबी लाइन इस समय लाइव टेलीकास्ट आप संसार क्रांति पर देख रहे हैं। जी सर आपको हम प्रोसेस दिखा रहे हैं यहाँ पर जो अपनाया जा रहा है डीएपी के कट्टे किसानों को देने के लिए, जिनकी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। आइए पूछते हैं इन भाई साहब से कैसे प्रोसेस ये पूरी कर रहे हैं। जी सर क्या नाम है आपका? क्या जी? कृष्ण कुमार। कृष्ण जी आप किस तरह से इनको पर्ची काट रहे हैं यहाँ पे? बस खाद बांट रहे हैं। खाद बांट रहे हैं तो कंप्यूटराइज पर्ची काट रहे हैं, हाथ से पर्ची काट रहे हैं? बस अभी बुधवार से काट रहे हैं, बाद में इनका अंगूठा लगवाएंगे, बाद में अंगूठा ले। तो एक किसान को कितने कट्टे मिल रहे हैं? दो। एक कट्टा कितने का मिल रहा है? 1200 का। तो क्या वो जो दवाई जो बांटी जारी थी, एक शीशी कह रहे थे कल किसान कह रहे थे कि दवाई भी दी जा रही है, वो अपने पास नहीं है वो, तो किसके पास है वो? नहीं है नहीं भाई साहब अपने पास। तो कितने कट्टों का आपको ऑर्डर आया कि पर्ची काटनी है? अपने पास 120 कट्टे वही काट रहे हैं। 120 कट्टे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं आप? आधार कार्ड। तो आप देख रहे हैं कि आधार कार्ड लिया जा रहा है, ये इनकी बायोमेट्रिक मशीन है, इसमें कहा जा रहा है कि एक बार पर्ची काटने के बाद ये इनके थंब इंप्रेशन ले लेंगे और उसके बाद इनको कंप्यूटराइज पर्ची दे देंगे। आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं यहाँ पुलिस, वीडियो को ज्यादा शेयर करिए और लाइक कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं डीएपी को बिल्कुल सही रेट पर अब दिया जा रहा है जो पकड़ी गई है, किसानों का कहना है कि गलत तरीके से ये रखी गई थी। जी आइए पूछ लेते हैं। जी कितने दिन से आप डीएपी की वेट कर रहे थे? कम से कम 10-15 दिन होगी भी हो। डेली हमारा 10 दिन हो गए डेली आवा जमा, कोई वो नहीं मिल रहा। दो कट्टों से काम चल जाएगा? बस कड़ा चल रहा है काम, दो कट्टे में बस नहीं हुआ अपना। कितने किलो? 5 किलो। 5 किलो में कितने चाहिए? 5 चाहिए। तो 2 मिल रहे हैं तो फिर बाकी 3 किले कैसे? बाकी फिर लाइन में लगाना। जी तो आप देख रहे हैं कि 5 किले वाले किसान को 5 कट्टे डीएपी के चाहिए लेकिन 2 ही कट्टे इनको मिल पा रहे हैं, तो बाकी 3 किलो में किस तरह से ये गेहूं की बिजाई करेंगे और किस तरह की पैदावार हो पाएगी किसानों का आप दर्द समझ सकते हैं। और आप भी अगर इस समस्या को ज्यादा लाइक करके और शेयर करके सरकार के कानों तक पहुंचाएं, ताकि किसानों की जो ये धरातल की समस्या है, खाद बीज और दवाई की समस्या जब हल नहीं होगी तो एमएसपी की और जो बिक्री की बात है वो तो बहुत
दूर की है। ये थी खास पेशकश संसार क्रांति पर। पुलिस थाना अनाज मंडी कैथल से मैं डॉक्टर विनय गुप्ता अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ देसी देख बिना ब्रेक।